ओम नमः शिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि शुक्रवार ज्येष्ठा नक्षत्र जिसके नक्षत्र स्वामी बुद्ध देव हैं, चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि के राशि स्वामी मंगल देव हैं। आज के जन्मे जातक धनी बुद्धिमान दानी और वैभवशाली होते हैं। ये तर्कशास्त्री वैज्ञानिक रुचि वाले हाजिर जवाबी और स्पष्टवादी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। ऐसे जातकों की 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में गंड मूल शांति करानी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए धार्मिक अभिरुचि में कमी, कार्यों में संघर्ष की स्थिति और आत्मविश्वास में कमी संभावित है। मन में नकारात्मक विचारों का आना और वाद विवाद के प्रसंगों से परहेज करना होगा। कार्य योजनाओं में भागीदारी सफल रहेगी मगर विरोधियों की वजह से व्यय संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता मिलेगी मगर पारिवारिक सुख चैन में कमी महसूस करेंगे। रिश्तों की नाजुकता को बनाए रखें, सब ठीक होता जाएगा। वृष राशि वाले जातकों के लिए किसी पर अति विश्वास उचित नहीं होगा। कार्यों की अधिकता बनी रहेगी, आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, शासन सत्ता व अधिकारियों से सहयोग मिलता रहेगा मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी विशेष तौर पर रखनी पड़ेगी। पेट व घुटनों से संबंधित समस्या संभावित है, साथ ही पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए व्यावसायिक उत्थान का योग चल रहा है। अधिक से अधिक जितना संभव हो अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। ईश्वरीय प्रेरणा और प्रशासनिक सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक पक्ष में अचानक लाभ संभावित है, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और रुकी हुई योजनाएँ पुनर्जीवित हो सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अपने प्रयास जारी रखें, अनुकूलता मिलेगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए व्यावसायिक उत्थान और आर्थिक लाभ में सहयोग मिलता रहेगा। आपकी कार्य योजनाएं सकारात्मक रूप से चलती रहेंगी मगर त्वरित लाभ के लिए भावावेश में आकर गलत निर्णय से बचें, उलझन की स्थिति संभावित है। आपके ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, साझेदारी के काम में उचित नहीं होंगे। विरोधी पक्ष के दखल अंदाजी से सुख चैन में कमी आएगी और स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखनी होगी। सिंह राशि वाले जातकों को आलस नहीं करना चाहिए। अपनी योजनाओं को आने वाले कल पर ना टालें तथा तात्कालिक प्रभाव में सक्रियता बरकरार रखें। आपके ऊर्जा स्तर में गिरावट संभावित है, व्यावसायिक और आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता और सुख चयन में कमी महसूस होगी, स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखनी होगी, पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं और अनावश्यक वाद विवाद से बचना होगा। कन्या राशि वाले जातकों को चाहिए कि शनि मंगल के अत्यधिक ऊर्जा को अपने रचनात्मक कार्यों में निवेश करने की कोशिश करें। इनकी अतिरिक्त ऊर्जा आपके व्यावसायिक उत्थान में सहयोगी बन सकती है। अपनी बौद्धिक क्षमता और कार्यकुशलता से आप मूर्त रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ईश्वरीय प्रेरणा और सामाजिक सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी, आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, निवेश संबंधी योजनाओं का निर्णय लाभकारी होगा। तुला राशि के जातकों द्वारा किए गए प्रयास और ऊर्जा स्तर में वृद्धि संभावित है। अपनी कार्य योजनाओं को सुचारू ढंग से पूरा करने में सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक लेन देन में सावधानी रखें। कुत्सित विचारधारा वाले व्यक्तियों से दूर रहें। शासन सत्ता व राजनीतिक व्यक्तियों से सहयोग संभावित है। अपनी गृहस्थी और स्वास्थ्य के प्रति चिंता का माहौल बना रहेगा।
अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने धैर्य की सीमा रेखा को और बढ़ाना होगा। आपके कामों में रुकावट और अड़चनें संभावित हैं। पहले की चली आ रही कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। नए कामों को कार्य रूप में परिवर्तित करने में दिक्कतें संभावित हैं। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। बातचीत करने में क्षणिक उत्तेजना से काम बिगड़ सकते हैं। समझदारी से सही निर्णय लेते हुए किसी कार्य को अंजाम दें। धनु राशि वाले जातक यदि अपनी सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में निवेश करें तो शनि मंगल का योग आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। शर्त यह है कि आपको धैर्य के साथ लगे रहना होगा। अपनी उत्तेजना को काबू में करते हुए हर काम शांतिपूर्वक सुचारू ढंग से संपन्न करना होगा। हर काम वाणी में मिठास लाकर करें। लाभ का द्वार खुला हुआ है। सामाजिक और व्यावसायिक पक्ष से अतिरिक्त लाभ मिलता जाएगा। अपव्यय की स्थिति को संभालते हुए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाते रहें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा। मकर राशि वाले जातकों को भी क्षणिक और तात्कालिक उत्तेजना को काबू में रखना होगा, क्योंकि शनि मंगल का योग आपके 12वें घर में बना हुआ है। यह आपके सुख का भाग्य भाव ही है, इसलिए पारिवारिक सुख संतुष्टि में धैर्य बनाए रखना होगा। आपकी योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। नए निवेश का योग बना हुआ है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और अपने स्वास्थ्य पर सावधानी रखनी होगी। कुंभ राशि वाले जातकों को आज छोटी सोच रखने वाले लोगों और विरोधियों से सावधानी रखनी होगी। आर्थिक लेन देन की स्थिति में नुकसान का अंदेशा बनता है। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपनी योजनाओं को सुचारू ढंग से क्रियान्वित करते जाएं। मेहनत के अनुरूप आपको लाभ मिलता जाएगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी। मीन राशि वाले जातकों को चाहिए कि आज नए निवेश के लिए कोई योजना ना बनाएं। पहले की चली आ रही योजनाओं को ही सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश करें। योजनाओं में बाधा आना संभावित है। साजिश से बचना होगा। साजिश के शिकार हो सकते हैं। फिर भी बड़े बुजुर्गों और अभिभावकों की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे आर्थिक सहयोग में मदद मिलेगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। आत्मविश्वास में कमी और काम में रुकावट से परेशान ना हों। ध्यान रखें और सूझबूझ से काम लें। केले के पौधे में जल डालें और ओम नमः शिवाय का जप करें। अनुकूलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।